हम सभी लोग महेश बाबू की SS-28 मूवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द ये फिल्म हमको देखने को भी मिलने वाली है और सुनने को मिल रहा है कि महेश बाबू की इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाना है, जिससे महेश बाबू के फैंस के बीच में फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अभी हाल ही में फिल्म के विलन को लेकर मेकर्स की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई है। SS-28 फिल्म में हमें विलन के रोल में जगपति बाबू देखने को मिलने वाले हैं। हमें साउथ की कई बड़ी बड़ी फिल्मों में जगपति बाबू देखने को मिले हैं और इसी साल आने वाली सालर फिल्म में और अभी हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान फिल्म में और भी कई फिल्मों में हमें जगपति बाबू विलन के रोल में देखने को मिले हैं। वहीं बात करें फिल्म की बाकी की कास्टिंग की तो फिल्म में हमें लीड रोल में महेश बाबू ही देखने को मिलने वाले हैं और महेश बाबू के साथ साथ साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हेगड़े और इनके साथ संयुक्ता मिलन देखने को मिलने वाली है। महेश बाबू की इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है क्योंकि महेश बाबू की ये पहली पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। महेश बाबू जितने पॉपुलर साउथ में हैं, उतने ही पॉपुलर नॉर्थ में भी हैं। चाहे उनकी पहली कोई पैन इंडिया फिल्म आई हो या ना हो, पर उन्हें लोग बखूबी जानते हैं। अब देखना यह होगा कि महेश बाबू साउथ की बाकी सुपरस्टार की तरह अपनी भी पहचान एक पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर बना पाते हैं या नहीं। महेश बाबू की SS-28 फिल्म के बाद इनकी एक और फिल्म आने वाली है और वो फिल्म इस फिल्म से भी काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि उस फिल्म को इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजा मौली के डायरेक्शन में बनाया जाना है। SS राजा मौली की इस फिल्म का नाम होने वाला है SSMB 29। वहीं बात करें महेश बाबू की SSMB 28 की रिलीज डेट की, मेकर्स की तरफ से SSMB 28 की रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 फाइनल किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म को 11 अगस्त को ही रिलीज कर दिया जाएगा, नहीं तो फिल्म को दशहरे के मौके पर भी रिलीज किया जा सकता है। पर मेकर्स का कहना है कि वो फिल्म को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे कि फिल्म को 11 अगस्त को ही रिलीज कर दिया जाए। बहुत ही जल्द हमें फिल्म का कोई छोटा सा टीजर भी देखने को मिलने वाला है। टीजर के रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फिल्म में स्टोरी क्या होने वाली है और महेश बाबू का लुक कैसे होने वाला है। फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ साफ नहीं है अभी तक, पर सुनने को मिल रहा है कि फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन, रोमांस, एंटरटेनमेंट सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और बाकी की बातें तो हमें फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद ही साफ हो जाएंगी। अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म के बजट को लेकर कुछ साफ नहीं है, पर अगर फिल्म में महेश बाबू है तो फिल्म का हिट होना तो बिल्कुल तय है क्योंकि लोग इनकी एक्टिंग और लुक के दीवाने इस कदर हैं कि उनके हर पल को देखना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।